acne is kind of an universal problem. Acne हर एक इंसान को मुझे लगता है कि जिंदगी के किसी ना किसी फेज में हर एक को होता है. मुझे भी हुआ था, इनफैक्ट होता ही रहता है. एक्ने इज समथिंग जिसके साथ बैटल चलता ही रहता है. अक्सर जीत जाती हूँ, कभी कभी हार भी जाती हूँ, कभी कभी मोटे मोटे पिंपल्स आ ही जाते हैं, आप लोगों को दिख ही जाते हैं. क्या करूँ अगर मोटे पिंपल है फेस में, तो इसका मतलब ये तो नहीं मैं कट करके निकाल नहीं सकती हूँ या फोटो में एडिट भी नहीं करती हूँ. अक्सर आपने मेरे फेस पे मोटे मोटे पिंपल्स देखा होगा. पिंपल्स को भगा देती हूँ तो रह जाते हैं पिंपल के मार्क्स. तो उस मार्क्स को भगाने के पीछे चलता रहता है मशक्कत. तो आज का वीडियो है सम एक्ने प्रोन स्किन केयर. जिनको एक्ने होती है, ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन है, पिंपल्स होते रहते, जिट्स होते रहते हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए एक्ने भगाने के लिए और दाग धब्बा फेस से भगाने के लिए. पॉइंट नंबर वन इज ऑलवेज कीप योर हैंड्स क्लीन. प्लीज कीप योर हैंड्स क्लीन, बिकॉज जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि ये इन्हीं हाथों से हम बार बार ऐसे फेस पे हाथ घुमाते रहते हैं, कभी पोज करने के लिए, कभी बाल हटाने के लिए, कभी पसीना पोंछने के लिए, कभी सोचने के लिए. सो हाथ साफ रहना बहुत जरूरी है. दूसरा, एक्ने अगर हुआ है तो प्लीज घर पे डॉक्टर बनके उसको ऐसे करके पिचका पिचका के उससे पस मत निकालिए, क्योंकि उससे क्या होता है, बाहर पस जितना निकलता है उससे अच्छा अंदर आप धकेल देते हैं और उससे वो छोटा जो एक्ने होता है वो और मोटा हो जाता है और परमानेंट हो जाता है. अगर निकल जाता है तो दाग छोड़ के जाता है जो कि जाने में महीनों लगा देते हैं. तो इसीलिए प्लीज डोंट पिक द एक्ने. नंबर थ्री इज यूज फ्यू प्रोडक्ट्स जो कि मैं यूज करती हूँ. उसमें पहला है फेस वॉश, जो कि नॉर्मल स्किन के लिए, फॉर ऑल स्किन टाइप्स. मैं ऑयली स्किन के लिए या ड्राई स्किन के लिए या एक्ने प्रोन स्किन के लिए फेस वॉश यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि वो स्किन का जो प्रवृत्ति होता है वो थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, स्पेशली फॉर कॉम्बिनेशन स्किन. कभी ड्राई हो जाता है, कभी गाल ड्राई है बहुत और नाक का पोर्शन बहुत ऑयली है. तो एक पर्टिकुलर फेस वॉश होता है जो कि फेस को बहुत ड्राई कर देता है क्योंकि ऑयली फील हो रहा है. तो ऐसा फेस वॉश ना यूज करें. जस्ट यूज अ नॉर्मल फेस वॉश विच इज रिकमेंडेड फॉर ऑल स्किन टाइप्स. जैसे ये क्लेंस करता है विदाउट ओवर ड्राइंग और स्ट्रिपिंग स्किन, स्किन को एक्सेसिव ड्राई नहीं करता. एक माइल्ड फेस वॉश है, किसी भी माइल्ड फेस वॉश से फेस वॉश करें. उसके बाद अगर आपको ओपन पोर्स और लाइव एक्ने है, अगर बहुत बड़े एक्ने हैं तो बेंजोइल पेरोक्साइड यूज करिए, बेंजोइल पेरोक्साइड. लेकिन उस टाइम पे और कुछ मत यूज करिए. बेंजोइल पेरोक्साइड सूख जाने के बाद उसके ऊपर मॉइस्चराइज करिए और सो जाइए. रात को यूज करिए, अगले दिन सनस्क्रीन जरूर यूज करें. मुझे अभी इतने बड़े बड़े एक्ने नहीं है, वो एक टाइम पे बहुत होता था तो मेरे पास हमेशा होता था बेंजोइल पेरोक्साइड का ट्यूब. वो किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा. राइट नाउ व्हाट आई यूज इज, मेरे में छोटे 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 एक्ने और फेस एकदम लाल 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 हुआ रहता है और एक्ने जो चला गया है उसकी दाग रह गए हैं. तो उसको फाइट करने के लिए मैं यूज करती हूँ द ऑर्डिनरी सैलिसिलिक एसिड 2%. अगर कोई छोटा मोटा एक्ने हुआ है किधर भी तो मैं उसके ऊपर डायरेक्टली यूज करती हूँ. अभी जैसे यहाँ पे हुआ है, आप लोगों को दिखेगा नहीं लेकिन मुझे फील होता है, बहुत दर्द है, नाक के पास भी हुआ है. तो मैं ऐसे ऐसे पोर्स जहाँ पे ओपन पोर्स होता है, स्पेशली अराउंड द नोज और जहाँ पे यहाँ पे ब्लैक हेड्स होते हैं, व्हाइट हेड्स होते हैं, तो मैं वहाँ पे उस पोर्शंस में लगा देती हूँ और सूखने के लिए छोड़ देती हूँ. ये सूख जाए तो उसके बाद मैं यूज करती हूँ हाइलुरोनिक एसिड, जो कि अगेन इट इज नॉट एन एसिड एसिड एसिड. ये है ऐसी चीज जो मॉइस्चर को बाहर से लेके मेरे स्किन में ट्रैप करता है, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड बहुत ड्राई कर देता है स्किन को. इसीलिए ऐसा कुछ यूज करना चाहिए जो स्किन को मॉइस्चराइज करे, हाइड्रेट करे, नहीं तो स्किन अगले दिन एकदम रूखा सूखा ड्राई हो जाएगा और ब्रेकआउट्स होंगे. और उसके बाद आप फेस में कोई अच्छा मॉइस्चराइजर यूज कर ले या फिर कोई लाइट ऑयल यूज करें. ये प्लम का ग्रेप सीड एंड सी बक थॉर्न ऑयल है. इसका प्राइस भी अराउंड 700 है, 650-700. काफी सारा ऑयल है इसमें. तो ये ग्लो रिस्टोर फेशियल ऑयल ब्लेंड है, इसके ऊपर मैं ये ऑयल लगा लेती हूँ तो फेस को ड्राई भी एक तरफ किया और एक तरफ मैंने ऑयल का सप्लीमेंट भी दे दिया, तो स्किन ओवर ड्राई नहीं हो जाता है, ना कि ओवर ऑयली होता है. कुछ कुछ दिन मैं प्लम का ये ग्रीन टी क्लियर
फेस मास्क यूज करती हूँ, तो इससे फेस थोड़ा क्लियर हो जाता है, थोड़ा शांति भी मिलती है, थोड़ा सा जहां जहां पे ब्रेकआउट्स हुआ है उस जगह को थोड़ा सा ड्राई, पूरा फेस को ओवरऑल ही ड्राई कर देता है। उसके बाद मैं सेम प्रोसेस को फॉलो करती हूँ, मैं हाइलुरोनिक एसिड लगाती हूँ विथ अ लिटिल बिट ऑफ वाटर, और उसके बाद मैं फेशियल ऑयल लगा लेती हूँ। सम ऑफ द डेज जब मुझे लगता है कि स्किन थोड़ा ज्यादा ड्राई फील हो रहा है, तो तब मैं स्किन को सूद करने के लिए ये कैलेंडुला एलो सूदिंग हाइड्रेशन मास्क लगाती हूँ। ये भी थोड़े टाइम लगा के फिर निकाल देती हूँ, और ये स्किन को थोड़ा सा आराम देता है, बिकॉज हमेशा जर्म्स को मारने के लिए, हमेशा जिट्स से अंदर सामान निकाल के स्किन के ऊपर थोड़ा सा टॉर्चर हो जाता है, तो इसमें थोड़ा सा स्किन को सूदिंग हो जाता है। उसके बाद मैं एज यूजुअल हाइलुरोनिक एसिड लगाती हूँ विद अ लिटिल वाटर, और उसके बाद मैं यूज करती हूँ एक स्किन केयर ऑयल, जो कि ये प्लम कॉस्मेटिक का ग्रेप सीड सी बकथॉर्न ऑयल भी हो सकता है, या क्लैरेंस का लोटस फेस ट्रीटमेंट ऑयल, 100% प्योर प्लांट एक्सट्रैक्ट ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन के लिए। तो कुछ डिफरेंट डिफरेंट ऑयल रखिए, क्योंकि स्किन के पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट आज आप कर रहे हैं स्किन में। अगर मैंने सैलिसिलिक एसिड नहीं लगाया है तो फिर मैं ये लोटस का प्योर प्लांट एक्सट्रैक्ट लगा लेती हूँ। ऑन द अदर डेज जहाँ जिस दिन मैं सैलिसिलिक एसिड लगाती हूँ, उस दिन मैं ग्रेप सीड एंड सी बकथॉर्न ऑयल लगा देती हूँ। इसके अलावा भी स्किन में सब कुछ लगा लिया तो मेरा पिंपल्स या एक्नी चला जाएगा, ऐसा नहीं है। दूसरे पॉइंट्स है, चेंज योर पिलो कवर रेगुलरली। आप देखेंगे कि आपके पिलो कवर में बहुत डर्ट होते हैं क्योंकि आप उसमें सोते हैं, तो हफ्ते में एक दिन पिलो कवर चेंज करना इनफ नहीं है। जिनको एक्नी का प्रॉब्लम है स्पेशली, वो लोग हफ्ते में 2 से 3 दिन तो एटलीस्ट पिलो कवर अपना चेंज करें, और देखेंगे कि एक्नी का प्रॉब्लम काफी सॉल्व हो गया है। जिनको एक्नी प्रोन स्किन है वो एक्सफोलिएट ना करें, स्पेशली द फिजिकल एक्सफोलिएट, जो स्किन में घिस घिस के एक्सफोलिएट करते हैं वो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वो आपके स्किन को और कट कर देगा, मिनिस्क्यूल कट्स हो जाते हैं और स्किन को और घायल कर देगा, वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। सो डू नॉट एक्सफोलिएट। एक्ने प्रोन स्किन स्पेशली मेकअप रिमूव करने के लिए कोकोनट ऑयल ना यूज करें, क्योंकि कोकोनट ऑयल पोर्स में घुस जाता है, बैठ जाता है और निकलता नहीं है, तो उसको निकालने के लिए आप और रगड़ रगड़ के फेस वॉश करते हैं, उससे स्किन और ज्यादा ड्राई हो जाता है, उसको काउंटर करने के लिए स्किन और ऑयल एमिट करता है, उसके चक्कर में और पिंपल्स होते हैं। मेकअप रिमूव करने के लिए माइल्ड फेशियल क्लेंजर यूज करें, कभी बाम के फॉर्म में हो या जो मेकअप रिमूवर्स मार्केट में आते हैं वो सब यूज करें, कोकोनट ऑयल नहीं यूज करें। आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, तो एक्ने प्रोन स्किन का प्रॉब्लम शायद मैंने टच किया, धीरे 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 दूसरे स्किन टाइप में भी आऊंगी। तब तक आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स में लिख के भेजिए, आपका स्किन टाइप कैसा है वो भी लिख के भेजिए, एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों के सपोर्ट के साथ डेबिना डिकोड्स 1 साल अच्छे से कंप्लीट कर लिया, एंड आई होप दैट आई एम एबल टू टच ऑल ऑफ योर लाइफ ब्यूटिफुली, सो दैट इज ओनली फॉर यू गाइज, एंड आई लव ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डेबिना डिकोड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बाय बाय।